Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ आकांक्षा. आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में. तो ये है न्यूड का कैरेट सीड फेस वॉश और ये है न्यूड का कैरेट सीड हाइड्रेटिंग लोशन. इन दोनों प्रोडक्ट्स को अभी मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे कैसे लगे इनका रिव्यू करने वाली हूँ आज के वीडियो में. इनको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं, आज की वीडियो में ये सारी बातें करेंगे. तो अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले बात करते हैं इसकी. ये है कैरेट सीड फेस वॉश. तो पैकेजिंग आप देख सकते हो, कितनी प्यारी पैकेजिंग है, मतलब देख के ही मज़ा आ जाता है. कुछ ऐसी पैकेजिंग है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसा आपको इसमें सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डिटेल्स दिया हुआ है, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सब कुछ इसमें मेंशन है. और ये कुछ ऐसे बॉटल में आता है, पंप बॉटल है, और स्टॉपर दिया हुआ है जिससे कि प्रोडक्ट वेस्ट ना हो बिल्कुल भी. और ये बड़ा ऑरेंज कलर का, कैरेट के कलर का बड़ा सुंदर ये एक बॉटल है. और इन्होंने इसके साथ ये पाउच भी दिया है, ट्रैवल करते हो तो आप इसमें कैरी कर सकते हो, तो कैरी करना आसान हो जाएगा. तो ये है इसकी पैकेजिंग. कैरेट सीड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं स्किन के लिए. मैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ जिनमें कैरेट सीड होता है. कैरेट सीड्स ऑयल भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. कैरेट सीड्स जो होते हैं इनमें विटामिन ए भर भर के होता है. विटामिन ए के साथ साथ इसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा और कैरोटीन्स होते हैं, कैरेटिनॉइड्स होते हैं जो कि यूथफुल स्किन प्रोवाइड करते हैं, स्किन को स्मूथ बनाते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एंटी एजिंग का काम करते हैं, न्यू स्किन सेल्स जनरेट करते हैं, स्किन से इन्फेक्शन वगैरह को भी दूर करते हैं. इसके साथ साथ अगर आपके एक्ने हैं तो ये एक्ने को भी दूर करेंगे, एक्ने मास्क को भी रिड्यूस करते हैं, साथ ही साथ यूवी रेज से, पॉल्यूशन से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं. जो फेस वॉश है ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, और आपकी कोई भी स्किन टाइप हो आप इसको यूज़ कर सकते हो. जैसे मेरी ऑयली स्किन है तब भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, एक्ने प्रोन स्किन है फिर भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और इसको यूज़ करने से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, काफ़ी अच्छा है. इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो जेल फॉर्म में है इसकी कंसिस्टेंसी. और फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो काफ़ी सूदिंग है, रिलैक्सिंग है, रिफ्रेशिंग लगेगा आपको इसको यूज़ करने के बाद. इसके की इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें कैरेट सीड्स तो है ही, साथ ही साथ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है और विटामिन ई यूज़ किया गया है, जिससे जब आप इसको यूज़ करते हो तो फेस वॉश करने के बाद ये आपके स्किन से ऑयल को, डर्ट को तो दूर करता ही है, पर स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता है, आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होगी और स्किन काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगी. बात करते हैं इनके बॉडी लोशन की. ये है कैरेट सीड हाइड्रेटिंग लोशन. पैकेजिंग वगैरह सब कुछ सेम है, बॉटल भी बिल्कुल सेम है, स्टॉपर भी दिया हुआ है, और 300 ml का ये पैक है. मैं भी कैरेट सीड यूज़ किए गए हैं, तो कैरेट सीड के बेनिफिट्स तो मैं बता चुकी हूँ कितना अच्छा होता है स्किन के लिए. तो ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, पॉल्यूशन से बचाएगा, यूवी रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, आपके बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन वगैरह होंगे उनसे ये प्रोटेक्ट करेगा. इसमें कैरेट सीड तो यूज़ किए गए हैं, साथ ही साथ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है, कोकोनट शिया बटर यूज़ किया गया है जो कि स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, हाइड्रेट करेंगे, आपको लंबे टाइम तक ये मॉइस्चराइज प्रोवाइड करेगा. जब हम अपनी बॉडी को वॉश करते हैं तो थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है और ज़रूरत होती है एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की, तो एक अच्छा ऑप्शन है, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा. तो ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं आप बिल्कुल एक बार इनको यूज़ करके देखिए. ये दोनों प्रोडक्ट्स काफ़ी पसंद आए और बिल्कुल एक बार यूज़ करके देखना चाहिए, काफ़ी अच्छे हैं. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं. आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.